अक्सर आपने देखा होगा कि लोग अपने वोटर आईडी कार्ड की फिजिकल कॉपी को कैरी करने में थोड़ा सा डरते हैं। वेल ऐसा इसलिए क्योंकि वो सोचते हैं कि बाई चांस गुम गया तो इसको फिर से बनाने का हैसल करना पड़ेगा। बट आपको बता दूं कि अब आप अपने वोटर आईडी कार्ड को 24 घंटे अपने साथ रख सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं केशव खेरा और इस वीडियो के माध्यम से आज मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने वोटर आईडी कार्ड की डिजिटल कॉपी डाउनलोड कर सकते हैं और वो पूरी तरह से वैलिड मानी जाएगी। तो चलिए बिना किसी देर के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए मैं आपको ये बहुत आसान सी ट्रिक बता देता हूँ जिसके द्वारा आप अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड अपने फ़ोन में डाउनलोड कर पाएंगे। पर उससे पहले आपको बता दूं कि आप अपने लिए डिजिटल वोटर आईडी कार्ड तभी डाउनलोड कर पाएंगे जब आपका वोटर आईडी कार्ड नवंबर 2020 के बाद का बना हो। बट अगर बना है तो इस स्टेप को ज़रूर फॉलो कीजिए। आपको गूगल क्रोम पर जाना है और वहाँ पर टाइप करना है ecii.gov। आप सामने देख सकते हैं मैंने ये ऑलरेडी टाइप करी थी, वेबसाइट खोली थी, इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी आ गई है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहाँ पे जाकर क्लिक करके डायरेक्टली इस पेज पे लैंड कर सकते हैं। जैसे ही इस पेज पे आप लैंड कर जाएंगे आपके सामने ये विकल्प आ जाएगा जहाँ पे लिखा होगा डाउनलोड ई पिक कार्ड। इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद ये आपको रीडायरेक्ट करेगा एक नए पेज पे और यहाँ पे आपके सामने कई सारे ऑप्शंस होंगे जिसको आपने नहीं क्लिक करना है। इसके अलावा आपको लॉगिन रजिस्टर पर क्लिक करना है, यानी आप जब इस पर क्लिक करेंगे तो आप इस वाली वेबसाइट में खुद को लॉगिन कर पाएंगे। और यहाँ पे आपको अपना यूज़र नेम डालना है अगर आपके पास ऑलरेडी है तो, और अगर नहीं है तो आपको एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा जो कि यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो मेरे पास अकाउंट नहीं है इसलिए मैं यहाँ पर नया अकाउंट बनाता हूँ। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालना है और आपसे पूछेगा कि आपके पास ई पिक नंबर है या नहीं। आप चाहे तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल ना डाल के दूसरे कॉलम्स भर सकते हैं। पहले सेंड ओटीपी करते हैं और उसके बाद आपको सेंड ओटीपी पे क्लिक करना है, वेरीफाई करेंगे। अब आपसे पूछेगा कि आपके पास ई पिक नंबर है या नहीं। आप इसको डिनाई भी कर सकते हैं या फिर ई पिक नंबर के साथ बाकी अपनी चीज़ें भी भर सकते हैं। ई पिक नंबर होना ज़रूरी है तभी आप अपने लिए अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे। फिलहाल मैं यहाँ पे डिनाई करके आपको दिखाता हूँ क्या क्या स्टेप हैं। तो आप देख सकते हैं कि पासवर्ड डालते ही मेरा अकाउंट रजिस्टर हो चुका है और अब यहाँ पे मैं लॉगिन करने वाला हूँ। आपके सामने मैं अपना सेम ईमेल आईडी डालूँगा जो मैंने रजिस्ट्रेशन के टाइम डाला था। और इधर अब आप देखिए कि मैं एक नए पेज पे लैंड हो गया हूँ जहाँ पे जो विकल्प पहले आपको टिक करने का ऑप्शन नहीं दे रहे थे अब वो पूरी तरह से कलरफुल हो चुके हैं। और अब इसमें मैं डाउनलोड ईपिक के ऑप्शन पे जाके क्लिक करूँगा। अब जैसे ही आप डाउनलोड ईपिक कार्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक नया पेज खुल जाएगा। फिलहाल आप देख सकते हैं कि पेज जो है डेस्कटॉप मोड में आपको दिखाई दे रहा है। एक्चुअली इस फ़ोन में मोबाइल मोड, मोबाइल पेज ठीक से काम नहीं करता, इसलिए मैंने डेस्कटॉप पर स्विच कर लिया है। और जैसे ही आप इस पेज पे लैंड करेंगे आपके सामने दो ऑप्शन आएंगे, या तो आप इस पर क्लिक कीजिए आई हैव ई पिक नंबर अगर आपके पास ई पिक नंबर है, या फिर अगर आपने नए वोटर आईडी कार्ड के लिए अप्लाई किया तो आपके पास एक फॉर्म रेफरेंस नंबर होगा वो यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा। बट मेरे पास ई पिक नंबर है इसलिए मैं यहाँ पे ई पिक नंबर डालने वाला हूँ। उसके बाद आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना है और सर्च का बटन दबाना है। जैसे ही आप सर्च का बटन दबाएंगे आपके सामने देखिए आपकी पूरी डिटेल सामने आ जाएगी। और अब यहाँ पे आप अपने आप को ऑथेंटिकेट करेंगे यूजिंग द ओटीपी वेरिफिकेशन। ओटीपी डालेंगे यहाँ पे, वेरीफाई पे क्लिक करेंगे। वेरीफाई पे क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पे कैप्चा नंबर डालिए और डाउनलोड ई पिक पे क्लिक कीजिए। तो मैं कैप्चा नंबर डाल देता हूँ। और डाउनलोड ई पिक पे क्लिक कर दूंगा। इधर आप देख सकते हैं कि लोडिंग कंप्लीट हो गई और सक्सेसफुली डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। अब आप इसको किसी भी रूप में डाउनलोड कर सकते हैं। आप चाहे तो ड्राइव पीडीएफ व्यूअर कर सकते हैं, फाइल्स बाय गूगल कर सकते हैं, या मी पीडीएफ व्यूअर कर सकते हैं क्योंकि ये मी का फ़ोन है तो इसलिए वो अपने आप ऑप्शन दिखा रहा है। तो मैं फाइल्स बाय गूगल कर देता हूँ और कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पर एक्सेस कर देंगे। तो ये देखिए आपके सामने आपका जो ई पिक कार्ड है वो डाउनलोड हो चुका है और ये पूरी तरह से 100% वैलिड है। आप इसको किसी भी सरकारी काम के लिए दिखाएंगे ये वैलिड माना जाएगा। तो बहुत ही सिंपल स्टेप है, आप इस सिंपल स्टेप को फॉलो करके अपना डिजिटल वोटर आईडी कार्ड अपने फ़ोन में या फिर अपने लैपटॉप में या किसी भी जो भी आपके पास डिवाइस है उसमें कैरी कर सकते हैं।
लेकिन शर्त यहाँ पे यही है कि आपका जो वोटर आईडी कार्ड है वो नवंबर 2020 के बाद का होना चाहिए। बट एनीवे, कैसा लगा आपको स्टेप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, और ये वीडियो भी आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अंटिल देन, दिस इज केशव खेरा साइनिंग ऑफ।